जमशेदपुर के तीन युवकों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में महिला थाने ने गिरफ्तार किया है। तीनों युवकों पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। नाबालिग ने तीन लोगों पर लगाया गैंग रेप का आरोप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर ओडिशा से जमशेदपुर बुलाया था लड़की को। किशोरी का आरोप है कि आरोपियों में एक इसका परिचित था, जिसने उसे नौकरी का झांसा देकर जमशेदपुर बुलाया था। लड़की उड़ीसा के बड़बिल की रहने वाली है। युवक लड़की के जमशेदपुर पहुंचने के बाद उसे टाटा स्टेशन के पास के एक होटल में लेकर पहुंचा था, जहां तीन युवक पहले से ही मौजूद थे। लड़की का आरोप है कि सभी ने उसके साथ गैंगरेप किया और दो दिन तक उसे होटल के कमरे में बंद रखा गया, लेकिन मौका देखकर वो किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली और पुलिस के पास पहुंची। 14-15 साल की लड़की है, जिसको लड़का लोग ले जा करके कुछ गलत किया है और बलात्कार वगैरह किया है जबरदस्ती। चूँकि लड़की नाबालिग है, बहुत कम उम्र की है, तो गंभीर मामला बनता है, संगीन अपराध है। और इसमें हम लोगों को जानकारी मिला और इस पे इनिशिएट करते हुए हम लोग आगे कार्रवाई की और गिरफ्तारी की गई है। लड़कों की रजिस्टर्ड किया गया है केस और गिरफ्तारी की गई है और इसमें माननीय न्यायालय के सुपुर्द किया गया है। मैडम, अब तक कितना गिरफ्तारी है? अभी 3 गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही चौथे साथी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने किशोरी को उसके घर भेज दिया है। गुनाह के लिए जमशेदपुर से संतोष की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।